राम राम दोस्तों। दोस्तों मैं आपका दोस्त शुभम कंबोज और आपको बताने वाला हूँ कि दो तीन भाइयों के मैसेज आ रहे थे, एक बोल रहा था कि वीजा लगवाना है, कैसे लगवाऊं। तो मैंने उसको पूछा कि स्टडी क्या की हुई है, उसने बोला 8th पास। स्पॉन्सर के थ्रू पूछ रहा था कि स्पॉन्सर करवा दो किसी से। भाई देखो वीजा इतना आसान नहीं, आसान भी है बहुत, अगर आप फाइल आपकी जेन्युइन हो, आप खुद बनाते हो फाइल, एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ते हो। इतना मतलब लाख लाख रुपए का खर्चा है पूरा वीजे तक का, जो रियलिटी बात है। बाकी अगर आप एजेंट के थ्रू लगवा रहे हो तो भाई एजेंट 10 से 15 लाख रुपए तो आराम से, 15 लाख रुपए तक तो आराम से क्या चलेगा इंटरव्यू बेस्ड वीजे के। अगर आप डोंकी की सोच रहे हो, रही बात डोंकी की, एक भाई पूछ रहा था कि डोंकी क्या चक्कर है इधर, डोंकी का भाई सब ठीक है सिस्टम, अगर आप पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है इधर डोंकी के, क्योंकि डोंकी वाले कई दोस्त भी अभी पहुंचे हैं मेरे। एजेंट आपका सही होना चाहिए, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इधर। पहले ट्रंप सरकार में इधर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वे ज़्यादातर वापस ही भेज रहे थे बंदों को। तो इधर बाइडन के राज में ऐसे इतनी खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं या इधर आ रहे हैं वो लगभग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड पड़ता है वो भी नाम मात्र पड़ रहा है, किसी को पड़ ही नहीं रहा है बॉन्ड। मतलब इधर अगर बॉन्ड पड़ता है किसी पे $4,000, किसी पे $5,000, यानी कि किसी पे 5 लाख, किसी पे 4 लाख, पहले 20-25 लाख पड़ जाता था, अब वो भी ना मात्र है, पढ़ ही नहीं रहा सच्ची रियलिटी जो बताऊं तो, ज़्यादातर पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि किस्मत भी बहुत डिपेंड करती है भाई। तो मैं उनको यही बात बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सब ठीक है डोंकी वालों के लिए, ठीक है। अगर आप इधर आ रहे हो उस टाइम आ रहे हो, लेकिन डोंकी एक सेफ रास्ता नहीं है भाई, पहले बताना चाहूँगा। हो सके तो आप इंटरव्यू दे के आओ, स्टडी करो इधर, स्टडी करके बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है इधर, स्टडी करके जॉब मिल जाएगी तो आपके लिए आसान रास्ते और सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। अपना बिजनेस करोगे सबसे बढ़िया, स्टडी करके आओ, स्टडी करके केस लगवा लो, चाहे इधर आके जो अब आपने रहना ही उसी तरह है तो स्टडी करके इधर आके केस लगवा लो। या वह डोंकी से आए हुए व्यक्ति को जल्दी एक्सेप्ट होता है, उनको जल्दी पीआर मिल जाती है, ये सच्चाई बात है। लेकिन डोंकी एक सेफ रास्ता नहीं है भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। मैं हरियाणा करनाल से बिलोंग करता हूँ और हमारे करनाल में, हरियाणा में अब डोंकी बहुत क्रेज है और बहुत ज़्यादा डोंकी लगा रहे हैं बच्चे, तो उन्हीं के रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अपने मेरे आसपास के बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि जो जिनकी डोंकी में डेथ हो चुकी है। डेथ कोई जीवन भाई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता, किसी किस्मत अच्छी होती है। एक मेरा फ्रेंड है जो पूरे 1 साल बाद पहुंचा है यहाँ यूएसए, डोंकी में चला था 1 साल, कितना होता, बहुत बड़ा क्रम होता है 1 साल भाई। और अब वो कैलिफोर्निया है, उसको काम भी नहीं मिल रहा उधर, क्योंकि कैलिफोर्निया में भाई काम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, काम आसानी से मिल नहीं रहा है। तो आपको पहले बता दूँ कैलिफोर्निया में काम मिल नहीं रहा है, जो कई बंदे जाके, ज़्यादातर हमारे हरियाणा वाले या जो भी है इंडियंस ज़्यादातर, तो वह कैलिफोर्निया में ही रहते हैं, तो कैलिफोर्निया में भी काम मिल नहीं रहा है। काम की बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि आते ही आपको वर्क परमिट तो मिलेगा नहीं कि आप कहीं भी लग जाओगे, बिना वर्क परमिट के काम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जब वर्क परमिट मिलेगा तो अच्छी बात है, वर्क परमिट में टाइम लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं, कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि डोंकी वाला रास्ता भाई सेफ नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए। इधर आके इधर अगर आप पहुंच गए तो आपके लिए अच्छा है, डोंकी से आए हो अगर आप, लेकिन मतलब उधर से आना सेफ नहीं है। रास्ते में बहुत सारी, मतलब मुझे बहुत दोस्त मिलते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। एक ही भाई इधर था, अपने कैथल का भाई था, उसको डोंकी में प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कंधे वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी। इधर आकर उसने भी वीडियो भी वायरल हुई थी उस भाई की। तो इधर आकर मेडिकल व्यवस्था नहीं है, बहुत महंगा खर्चा है मेडिकल व्यवस्था का इधर। हाँ इधर
इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन आप इंश्योरेंस भी किस बेस पे कराओगे? आपके पास कोई आईडी वगैरह नहीं है इतना, जितना आपके को वर्क परमिट नहीं मिलता, जो भी है आपको कुछ आईडी वगैरह नहीं मिलती, तब तक आप इंश्योरेंस भी किस बेस पे कराओगे? तो भाई इधर आके अगर सबसे बड़ी अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य इधर अगर बहुत, मेडिकल व्यवस्था बहुत महंगी है, तो मैं यही आशा करता हूँ कि अगर कोई बार डोंकी से आना चाहता है तो अगर सेफली इधर उधर जाए तो डोंकी से बेस्ट कोई इधर है नहीं। इधर अगर कोई डोंकी के रास्ते पहुँचा है तो उनके लिए बेस्ट है, लेकिन डोंकी का रास्ता अलग अलग तरीके, एक कोई इंग्लैंड वाली डोंकी भी चल रही है आजकल, इंग्लैंड से आ रहे हैं तो सीधे इंडिया से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, बढ़िया है वैसे, कोई दिक्कत नहीं अगर आप पहुंच जाते हो तो। बीच वाले रास्ता बहुत खतरनाक होता है भाई, और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर, क्योंकि कितने देशों से निकलना पड़ता है और कितनी जेलों में से गुजरना पड़ता है, अगर एक एक बार भी आपका एजेंट जवाब दे गया ना, एजेंट जवाब देगा या बीच वाले जो एजेंट होते हैं, क्योंकि कई एजेंटों के हाथ से होकर आते हो आप बीच में, जैसे जैसे आप कंट्री क्रॉस करोगे तो आपको अलग अलग एजेंट मिलेंगे, तो एक भी प्रॉब्लम हो गई, एक भी एजेंट का दिमाग खराब हो गया, कुछ भी होगा, छोटी ही बात होगी, आप छोटा रास्ता भटक गए तो वहीं भटकते रह जाओगे, और बहुत निर्दयनीय स्थिति होती है। वैसे यूएसए पहुंच करके भी आपको इंडिया की याद बहुत आएगी, क्योंकि इंडिया वर्गा देश कोई है नहीं भाई, इधर सिर्फ पैसा है, पैसा की मैं मानता हूँ, लेकिन इंडिया इज़ द बेस्ट रहने में और अपनेपन में, इंडिया की बहुत याद आती है इधर, ये सच्चाई बात है, लेकिन ये है कि इधर पैसा है, पैसे की मैं मानता हूँ, और जिस कर की वजह से ही इधर आते हैं, डोंकी वगैरह में अपने हरियाणा पंजाब के ज़्यादा आते हैं, पहले पंजाब के आते थे, अब हरियाणा के भी आने लग गए हैं, हरियाणा के बहुत ज़्यादा, और मैं देखता हूँ कि मतलब हर दूसरा बंदा, जैसे फेसबुक ओपन करता हूँ तो हर बंदा स्टेटस लगा के रखता है, कंग्रेचुलेशन भाई, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, मतलब इंडिया साफ होने लग रहा है भाई, इंडिया होने लग रहा है साफ, इंडिया में बंदे बहुत घटते जा रहे हैं, सारे बाहर की तरफ भाग रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या कह सकते हैं हम इंडिया के लिए। हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, जो रियलिटी बताऊँ, हरियाणा में की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, काम की बहुत दिक्कत है वहाँ पे, तो वहाँ के लोग ज़्यादा ही बाहर आना पसंद कर रहे हैं, डोंकी के रास्ते हो चाहे जैसे भी हो, ये सोच रहे हैं कि इंडिया से निकल जाएं, किसी भी यूरोप की कंट्री में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको भी सरकार को बड़ा चिंतन करना पड़ेगा इस बात पे भी, क्योंकि मैं भी बाहर ही आया हूँ, कुछ सोच समझ के आया हूँ, सभी पैसे के लिए ही आते हैं, रियलिटी जो बात है, इससे अपनी इंडिया की भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। वैसे जो बाहर का यूएसडी हम इंडिया भेजेंगे या बाहर की जो भी करेंसी इंडिया जाएगी, तो इंडिया की अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या चक्कर हो रहा है, अगर किसी भाई को पता है कि क्यों इतना हर फेसबुक पे के स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, हर दूसरे स्टेटस पे कंग्रेचुलेशन भाई फॉर यूएसए, फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर कैनेडा, मतलब सभी देश छोड़ के जाने लग रहे हैं लगभग। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमेंट में बताने की क्या चक्कर हो रहा है भाई, क्या दिक्कत हो रही है ऐसी जो मतलब देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो आपको तो एक ही सलाह दूंगा भाई कि अपना डोंकी के रास्ते से आ रहे हो तो सेफली आना भाई, सेफली, मतलब ये नहीं है कि इस एजेंट ने पहले बंदे को सेफ उतार दिया तो आप भी सेफ उतर जाओ, क्योंकि भाई जंगल के रास्ते हैं, कई बंदे डायरेक्ट डोंकी कह के बीच में जंगलों में डाल देते हैं एजेंट, तो और भी बहुत सारी बातें हैं भाई, क्योंकि कई बंदे क्या करते हैं कि मैं एक दो केस आया था, करनाल मीडिया में बहुत खबरें आती हैं ऐसी, एक दो केस आया तो उसको सीधा डायरेक्ट मैक्सिको उतारने की बात कह के पहले उसको दुबई ले गया, दुबई से दूसरे देश ले जाने की कोशिश की गई, तो वहाँ से वो भाग गया, पासपोर्ट लेने वाले थे उसको, वहाँ से वो भाग गया, वो बच गया वहाँ से, शुक्र है, वरना में उसको गलत रास्ते से कहीं और उतारते, वो शायद जर्मनी की डोंकी, हाँ जर्मनी के लिए जा रहा था। तो मैं आपको बताऊँगा भाई, सेफ चलें, अपनी सेफ्टी ज़रूरी है सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, और आपकी फैमिली ज़रूरी है, क्योंकि
फैमिली सबसे मतलब ऊपर होनी चाहिए आपकी लाइफ में। फैमिली के बिना कुछ नहीं है भाई, अगर आप ही चले गए तो आपकी फैमिली कौन संभालेगा। हाँ ये बात है, अगर आप इधर उतर गए तो फैमिली की बल्ले बल्ले। तो कुछ डोंकी की वजह से भी यूएसए वाले सोचते हैं कि इंडिया में ज़्यादा भेदभाव है या कुछ वो है, क्योंकि इधर आके सारे इंडियंस हो है, पाकिस्तानी है, इंडियंस ज़्यादा, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा डोंकी लगा रहे हैं। तो इधर आके केसीएन लगवाते हैं कि हमें बीजेपी से खतरा है, मुझे मैं इस मतलब धर्म से हूँ, मुझे उस धर्म से खतरा है, कुछ ऐसे ऐसे कहकर आरोप लगवाते हैं इधर आके आरोप लगवाते हैं। तो इसकी वजह से इधर की गवर्नमेंट सोचती है कि ये इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब सिर्फ यहाँ पीआर होने का चक्कर है या केस लगवाने के लिए अपना केस को स्ट्रॉन्ग बनाने का चक्कर है। तो मैं अभी अपने काम पे पहुँच गया हूँ, तो आशा करता हूँ जो भाई डोंकी मारने की सोच रहे होंगे या डोंकी लगाने की सोच रहे हैं उनको थोड़ी बहुत ही, वैसे तो मैंने पूरी इस पर बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत आपसे को बताने की कोशिश की कि जो भी है इधर अगर आप उतर जाओ तो सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जय श्री राम, बन रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।